कश्मीरी पंडितों के लिए। 19 जनवरी आज है और इसी दिन 19 जनवरी 1990 को कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था। वहाँ की मस्जिदों के स्पीकर्स से अनाउंस किया गया था कि सारे कश्मीरी पंडित जो है अपनी बहनों और बेटियों को छोड़कर कश्मीर खाली करेंगे। तो पूरी की पूरा पूरा का पूरा समुदाय जो है उनका जेनोसाइड हुआ, उनकी एथनिक क्लिनजिंग हुई और वो वहाँ से निकले। इसलिए पूरे विश्व भर आज 19 जनवरी जो है वो हमारा जेनोसाइड डे है, हमारा एक्सोडस डे है और हमारा एथनिक क्लिनजिंग डे है। आज जो हम मिले हैं, मैं अपनी एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करने जा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, ये मैंने खुद शूट की थी 1990 में। मैं खुद उस दौरान 19 जनवरी के आसपास भी, उस दिन भी मैं खुद कश्मीर में था और सारे फुटेजेस जो हैं मैंने खुद शूट किए हैं। और मैंने उस वक्त जो हमारा पलायन हुआ था, उसके बाद जब रिफ्यूजी कैंप्स में लोग आए और वहाँ पर बसे, ये पूरी जर्नी जो कश्मीरी पंडितों की है मैंने खुद शूट की। और मैंने सोचा कि आज का दिन जो है वो सारे विक्टिम्स को एक ट्रिब्यूट पे करने का दिन है। और अनुपम जी जो हैं वो मेरी इस पूरी जर्नी में, मेरी इस पूरी लड़ाई में, हमारी सारे जो फेजेस हैं उस पर खेर साहब हमारे साथ रहे। और चूंकि खेर साहब खुद भी कश्मीरी हैं और कश्मीरी पंडित हैं, तो इस पूरी त्रासदी को, इस पूरे जेनोसाइड को, इस पूरी एथनिक क्लिनजिंग को हमने दोनों ने, हम सबों ने खुद सहा है, खुद फेस किया है और खुद इसको लड़ने, हम खुद इसको लड़े हैं और लोगों के सामने हमने चीज़ों को लाने की कोशिश की है। तो इस फिल्म के द्वारा मैं उन सारे लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो इस फिल्म को देख के, जो हमारी एक्चुअल त्रासदी है जो फिल्मों में दिखाई भी गई और जो लोगों ने, जिन लोगों ने ये कहा कि ये गलत है, ये वही नहीं है, ये झूठ है, तो मुझे लगता है कि उन सारे लोगों के लिए ये फिल्म, मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो रियल है, ये उनके लिए जवाब है। और मुझे इस बात का यकीन है कि आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा जितने भी लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखें, अपने आप में इस पूरी त्रासदी को फील करें, अपने इस जेनोसाइड को, इस एथनिक क्लिनजिंग को, ट्रेजेडी को फील करें। क्योंकि हमारे हिसाब से, कश्मीरी पंडितों के हिसाब से, ये दुनिया के सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है। इससे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा कसूर नहीं कोई। हम माइनॉरिटी कम्युनिटी में थे, हम पढ़े लिखे लोग थे, हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, हम नॉन वायलेंस में बिलीव करने वाले लोग हैं, हम गांधी जी के फिलॉसफी में बिलीव करने वाले लोग हैं और हम आज अपने ही कंट्री में, अपने ही देश में रिफ्यूजी बन के रह गए हैं। तो हम फिल्म शुरू करेंगे, उससे पहले मैं खेर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ खेर साहब, योर एक्सपीरियंसिस टू द पीपल। अशोक जी को मैं बहुत सारे साल, जब से बॉम्बे आया हूँ तब से जानता हूँ और इनकी पहली डॉक्यूमेंट्री भी जो मैन एंड द वर्ल्ड रिमेंड साइलेंट, वो मैंने देखी थी। तब इन्होंने बहुत सारे शॉट नहीं डाले थे, शायद दुनिया को शॉक नहीं करना चाहते थे, और अब इन्होंने बहुत सारे वो शॉट्स डाले हैं कश्मीरी पंडितों का नरसंहार में। ध्येय जो है, जो इन्होंने, अशोक जी ने बोल दिया है, ध्येय यही है कि कुछ जख्मों को खुला रखना ज़रूरी है। वो पर्सनल लेवल पर ज़ख्म हो या कम्युनिटी के लेवल पर ज़ख्म हो या इंसानियत के नाम पर ज़ख्म है, क्योंकि कुछ लोग उसको ढकने की कोशिश करते हैं झूठ से और अलग अलग उससे। जब डॉक्यूमेंट्री बनती है तो डॉक्यूमेंट्री रियल फुटेज की होती है, रियल जगह की होती है। आपको पुरानी, आप अगर कुछ पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज देखें, चाहे वो हमारे देश की आज़ादी की डॉक्यूमेंट्री हैं, गांधी जी दांडी मार्च पे जा रहे हैं, या पुरानी जो ब्लैक एंड वाइट की डॉक्यूमेंट्री हैं, उसमें आपको यकीन होता है, बिकॉज वो दे आर टेकन। वी विल कीप दिस दिस जेनोसाइड अलाइव, बिकॉज इसको इसलिए अलाइव रखना है ताकि ये बाकी दुनिया के किसी और इलाके में इस तरह का जेनोसाइड ना हो। दुनिया के किसी और इलाके में, हिंदुस्तान में तो ना ही ना हो, पर दुनिया में कहीं भी जहाँ पर अमन प्रस्त लोग रहते हैं उनके साथ इस तरह का ना हो। और वो आपके द्वारा, मैं बड़ा खुश हूँ आप लोग यहाँ आप आए हैं इस डॉक्यूमेंट्री के लिए, तो उसको ज़िंदा रखना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे खुद के पर्सनल लेवल पर, हमारे फैमिली मेम्बर्स को इसको भुगतना पड़ा, मेरे मामा को भुगतना पड़ा, बहुत सारे रिश्तेदारों को भुगतना पड़ा, और काफ़ी इसको दबाए रखने की कोशिश की गई है। 32 साल तक इसको दबाए रखने की कोशिश की, टिल कश्मीर फाइल्स केम, और आज 33वां साल है।
और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको अलग अलग नाम देते हैं। तो अगर तो सच तो मुझे लगता है कि वैसा है कि वो कभी ना कभी बाहर आता रहता है, और जो सच जिनको झूठ बोलना होता है उनको ज़िंदगी भर झूठ बोलना रहता है। तो ये प्रताड़ना जो सही है कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी हिंदुओं ने, प्रॉब्लम क्या हो गया है कि जब हम कश्मीरी पंडितों की या कश्मीरी हिंदुओं की प्रताड़ना की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ट्विस्ट करते हैं इसको कि शायद हम बाकी माइनॉरिटीज़ को या बाकी लोगों को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। नहीं, ट्रेजेडी ट्रेजेडी है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों के साथ हो, और उस हर ट्रेजेडी को एक्नॉलेज करना, उसका बहिष्कार करना, उस पर टिप्पणी करना मानवता का हमारा एक नियम है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज फिर वही है, 2023 19 जनवरी, 33 साल हो गए हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे कश्मीरी भाई बहन जो हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए, मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों को, और टेररिज्म का जो असर है कश्मीर पे हुआ है वो हर जाति पर हुआ है, हर लोगों पर हुआ है। एंड आई एम श्योर दिस फिल्म विल ब्रिंग द ट्रूथ, एंड अशोक हैज़ बीन ऑलवेज अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ एनी अनजस्ट एनी वेयर इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली अबाउट कश्मीरी पंडित, दैट्स द बिगेस्ट क्वालिटी मिस्टर अशोक पंडित हैज़, कि कहीं भी, और ये जिनसे इनके अच्छे संबंध होते हैं अगर उन्होंने भी कोई गलत काम किया होता तो उनको भी ये पॉइंट आउट करते हैं, चाहे वो एक्टिविज्म हो गार्डन्स को लेकर, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर हो, चाहे वो जुहू की सफाई हो, चाहे वो जुहू में हम या जुहू अंधेरी एरिया में हम अच्छी सांसें ले सके, ये शख्स जो है हर एक के साथ कंधे के कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहता है। इसको इस बात का कोई वो नहीं है कि मैं पॉपुलर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में हम पॉपुलर रहना चाहते हैं सबके साथ, पर अब इनका ऐसा इन्होंने कर लिया कि अनपॉपुलर लोगों के साथ भी पॉपुलर है, तो विच इज़ अ ग्रेट क्वालिटी, ऐसा इंसान बहुत कम होता है, एंड वी आर हैप्पी दैट समबडी लाइक हिम इज़ आर फ्रेंड, इज़ माई ब्रदर, एंड आई ऑलवेज फील दैट कोई नहीं होगा तो ये तो साथ में खड़ा ही होगा, तो इसलिए आई विश हिम गुड लक अशोक जी, और ऐसे ही करते रहिए आप काम बस, और हम क्या कर सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं, अच्छी बातें ही बोल सकते हैं, और दिल से बोलते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी ने कहा था कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। जब मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था और मुझे काम नहीं मिल रहा था तो मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया था कुछ 27 दिन बांद्रा ईस्ट में, तो मैंने उनको एक खत लिखा था, आई एम डाइवर्टिंग बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेल यू कि क्यों हम शायद बेबाक तरीके से बात करते हैं। तो मैंने उनको खत लिखा था कि दादाजी, वो कश्मीर में रहते थे, मैंने कहा मैं कहाँ यहाँ फंस गया हूँ, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर रह रहा हूँ, पढ़ा लिखा एक्टर हूँ मैं, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मुझे यहाँ रेलवे स्टेशन पर रहना पड़ रहा है और 1:30-2 बजे सोना पड़ता है और 4:45 बजे उठना पड़ता है बिकॉज ट्रेनें शुरू हो जाती हैं, ट्रेनें बंद होती हैं। तो उन्होंने मुझे खत लिखा था, अभी भी याद है, तो उन्होंने लिखा था कि बेटा तू रुक जा वहाँ पर, तू 1.5 साल से वहाँ पर है, तेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है तुझे यहाँ तक पहुँचाने की, और एक बात याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। दैट लाइन चेंज्ड माय लाइफ, और अब हम जब भी कोई मुझे लगता है कि हमारे खिलाफ या हमारे ऐसी बात को होती है तो सीधा दादाजी का डायलॉग चलता कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, इसलिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मुझे जाना होगा, मगर अगर आपका कोई सवाल है उससे पहले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी सिम्बॉलिक ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर विवेक जी और पल्लवी जी और अभिषेक अग्रवाल एंड द कास्ट एंड क्रू की पहली बार तो ऐसा एक साल के अंदर एक बार दो बार ये फिल्म रिलीज़ होना बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, आप उन जख्मों को तो भर नहीं सकते जो आज से 33 साल पहले हुए हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे कंधे पर हाथ रख देता है तो ये दूसरी बार रिलीज़ होना भी जो है ये उसी बात की निशानी है। आज बहुत सारे लोग हमको ये भी बोलते हैं अरे आपने अभी इनके लिए क्या किया, चलो कश्मीर फाइल ने एक चीज़ तो की कि ये दुनिया में ये जग जाहिर कर दिया कि ये ट्रेजेडी हुई थी, तो आज ये रिलीज़ हुई है, इट्स अ सिम्बॉलिक थिंग। अब वो जो लोग हैं वो कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे लिखा सेकेंड टाइम रिलीज़ कर दी इसके तो कोई कलेक्शन नहीं हुआ, तो जो लोग रोते हैं उनकी ज़िंदगी भर रोना ही होता है। कुछ लोग होते हैं डूअर्स एंड कुछ लोग होते हैं क्रिटिसाइजर्स, हम डूअर्स हैं और जो क्रिटिसाइजर्स हैं उनको करने दीजिए। सर 33 साल में कश्मीर में क्या बदला, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही जहां कश्मीरी पंडितों को अभी भी टारगेट किलिंग किया जा रहा है, तो 33 साल में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? आर्टिकल 370 हट गया, बहुत बड़ी बात है,
65 साल तक नहीं बदला था, आर्टिकल 35A बदला, और वो सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं था, 35A और 370, वो सब माइनॉरिटीज़ के लिए था, वो बहुत ही तकियानुसी लॉ था। और इस साल 2022 में हालांकि सबसे ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ा है, देखिए वहाँ पर काम की सख्त ज़रूरत है, जो विकास दुनिया में मतलब भारत में बाकी देशों बाकी स्टेट्स में हुआ है वही विकास वहाँ भी होना चाहिए। मुझे लगता है विकास हो तो अपने आप जॉब्स बढ़ते हैं, जॉब्स बढ़ते हैं तो लोग खुश रहते हैं, लोग खुश रहते हैं तो इस तरह की अजीब व गरीब चीज़ों में उनका ध्यान नहीं जाता। I believe that a lot of people are still shooting there. I have a friend here in Kashmir whose mother lives in the camp. Because Kashmiri Pandits today also are living in ghettos, you know, in these camps. So ye mahol kab tak badlne ka lagta hai? Dekhiye jo badlav hai wo bahut silent hota hai. Humne desh ko azad karne ke liye 200 saal lada hai, 100 saal lada hai, par azad hua. अब ओवरनाइट तो चीजें मुझे नहीं लगता, दैट्स मोर फॉर एन आंसर फॉर पॉलिटिशियंस टू गिव यू दैट आंसर। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, अब आज हम जो बैठे हैं और आपके साथ बैठे हैं ये भी ऑप्टिमिज्म का नतीजा है कि हम चाहते हैं कि कुछ बदले और कुछ आप सवाल उठाएं और कुछ सवाल ये आपके जरिए बाकी लोगों तक भी पहुँचे। सर आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें आपने इसके अंदर रियल दिखाई है, तो वो कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए और जब वो चीज़ें याद आती है तो क्या फील करते हैं सर अगर उस बारे में? देखिए ये जो पूरा एग्जोडस था जेनोसाइड जब हुआ, जब मैं वहाँ पे था तो मेरी लाइफ चेंज हो गई एक्चुअली, मेरी थिंकिंग, मेरा बिहेवियर पैटर्न, मेरी चाल, मेरे चलने का ढंग, मेरी सोच पूरा बदल चुकी, बिकॉज वो जो पूरा पूरा जो हादसा हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा था। मेरी मैं इतना भी कुछ बुजुर्ग नहीं था कि मैं इस चीज़ को देख चुका था, ज़िंदगी में बहुत कम उम्र में मैंने लाशें देखी, मैंने लोगों को निकलते हुए देखा, ट्रक में बैठते हुए देखा, चिल्लाते हुए देखा, चीखते हुए देखा, डेड बॉडीज़ उठाने के लिए लोग नहीं थे जम्मू में, तो सब पूरी जो पूरा जो प्रोसेस था मैं उसका हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि 10 जन्म में भी लोग जो हैं वो ऐसे हादसे जो हैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो हो सकता है ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए ये, और फॉर्चुनेटली मैं कश्मीर में था, मेरे को दूरदर्शन श्रीनगर दूरदर्शन के काम के लिए गया था वहाँ पर, और रात को मैं जब घर में सोया था तो ये मस्जिदों से ये आवाज़ आने लगी थी कि कश्मीरी पंडित घर खाली करो, तो मेरे पास लकीली कैमरा था, वीडियो कैमरा, जो पुराने वीडियो कैमरा थे होते थे जो VHS कैमराज, और हाई बैंड मेरी टीम यहाँ से गई थी, आई वाज शूटिंग अ डॉक्यूमेंट्री फॉर श्रीनगर दूरदर्शन, तो उसके पहले तो मैं कैमरा लेके मैं सड़क पे निकल गया, मैं अभी भी अगर मैं वो सोचता हूँ, फिल्म देखना सोचता हूँ तो मैं रात को उठ जाता हूँ, क्योंकि वो जो खौफ है, वो जो डर है, वो मेरे दिमाग से ताज़ ज़िंदगी निकल नहीं सकता। एंड द एंटायर इंसिडेंट, दो पूरे की पूरी जो हादसे हुए थे जो मेरे सामने हुआ, वो मुझे लगता है कि एक सपना था और वो रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता। आज जो लोग बोल रहे हैं कि ये झूठ है फिल्म को देखने के बाद, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो सकता ये हो सकता है। मैं तो इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूँ, या खेर साहब इसलिए डंके की चोट पे बोलता है, या हर कश्मीरी पंडित इसलिए डंके की चोट पे बोलता है क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, और ये एक्सपीरियंस जो है ये हमारे दिलों से, हमारे दिमाग से, हमारे जहन से ये कभी नहीं निकल सकता। और जैसा अनुपम जी ने कहा कि जेनोसाइड जो है घाव जो है निकाले भी नहीं निकल सकता, आप कैसे चीज़ों को निकाल सकते हो, आप हकीकत को कैसे नकार सकते हो, मैं कैसे झूठ बोलूं कि नहीं सब ऐसा नहीं हुआ था। तो उस दौरान जब ये मैं सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्म बनाऊंगा, जब फुटेजेस जमा हुई, जब मैं ले आया वापस मुंबई आया, मैं 6 महीने के लिए शिफ्ट कर गया था जम्मू कश्मीर, लगभग 8 महीने में वहीं रहा था जम्मू कश्मीर में, बिकॉज पूरी की पूरी फैमिलीज आ रही थी ट्रकों में जम्मू में, तो उनको सेटल करना, कैंप बनना, जगमोहन साहब हमारे गवर्नर थे उनसे डील करना, रिफ्यूजी कैंप नए नए, जम्मू बहुत छोटा शहर है, वहाँ पर 3.5-4 लाख लोगों का आ जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि जगह ही नहीं थी वहाँ पर, छोटे छोटे मकान हुआ करते थे, तो बड़ी बड़ी जमीनों में आप देखना फिल्म में टेंट लगे, टेंटों में लोगों को रहा, एक एक टेंट में 10-10 आदमी रहते थे, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, तो मैं इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को मैं जुड़ा और मैंने देखा ये सब जो मेरी फिल्म में है। मुझे लगता है मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा फिल्म के बारे में, अब फिल्म देखिए और अंदाज़ा लगाएंगे आप कि एक्चुअली ये प्रोसेस जो पूरा जेनोसाइड का प्रोसेस जो है वो कैसा था, लोगों के इंटरव्यूज़ हैं कैंप्स में, टेंट्स में, कश्मीर में किस तरह से लोग बाहर निकले, कैसे पाकिस्तान का झंडा उन्होंने लहराया, क्या नहीं क्या क्या, ये पूरी फिल्म में, ये 35 मिनट की फिल्म में ये पूरा जो खौफ वहाँ पर क्रिएट किया गया जिसके वजह से हम लोग वहाँ से निकले, ये खौफ जो है ये फिल्म में आपको सारा नज़र आएगा।
डर नहीं लगा शूट। ऑल्सो आपने बहुत ही एक बड़ा सवाल पूछा, क्या बदलाव आया, और मुझे झंडे से याद आया जी, हिंदुस्तान का झंडा वहाँ पर फहराने नहीं देते थे, उनका अपना झंडा होता था। हर घर झंडा में आपको वहाँ पर लाखों झंडे दिखाई दिए, ये जीत है, सबसे बड़ी बात ये है। कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस आया लोगों में वहाँ पे, लोकल लोगों में भी, और लोकल में बिग ड्रीम, थोड़ा सा सारे हिंदुओं ने वो झंडा लेके घूमे थे, हर पूरे आवाम वाले झूले। अनुपम सर, आपने कहा 65 साल में कुछ नहीं हुआ था, सॉरी सी यू टॉकिंग अबाउट अस, यू टॉकिंग अबाउट विक्टिम्स, सी बेसिकली दिस इज अ टर्मोइल ऑफ 70 इयर्स व्हिच वाज नॉट अटेंडेड टू, सो इट विल टेक टाइम बिकॉज इट्स कैंसर। ऑल्सो समटाइम इट्स इम्पॉर्टेंट टू शो व्हाट हैज हैपेंड, अब उपहार ट्रेजेडी पर ट्रायल बाय फायर बना है, 25 साल तक उसको झुठलाते रहे उसके जो ओनर्स थे, तो इसका मतलब क्या वो हुआ ही नहीं अपने आप? वो तो आप बिलीव करना चाहते हैं बिकॉज उसकी डॉक्यूमेंट्री फुटेज है कि आग लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं, हम सब एटलीस्ट आई वॉज देयर एक्सेट्रा। सो समटाइम हम क्या चाहते हैं इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आर जॉब एज फिल्म मेकर्स एंड आर्टिस्ट इज टू शो टू द वर्ल्ड दिस हैज हैपेंड, दैट्स ऑल। अनुपम सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसका आखिरी पड़ाव कश्मीर है, कश्मीर में वो बांदीपुरा में जाकर तिरंगा भी लहराएंगे, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कश्मीर कुछ स्थिति नहीं बदली है और अभी भी टारगेट किलिंग हो रही है, क्या मैसेज, क्या संदेश देना? आई डोंट थिंक दिस इज अगेन वी विल शिफ्ट फोकस टू समथिंग एल्स व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेट्स नॉट मेक इट, नहीं नहीं, आल्सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू हार्पिंग ऑन द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड्स, आई विल नॉट टॉक अबाउट एनीबॉडी एल्स and let the person hijack about what we are talking about. We have done that for 33 years, not anymore. I'm not going to talk about this. Let's talk about this film. I think it's important. Let's see the document. Ji, kya? मैंने बोल दिया, मैंने हमने जवाब दे दिया उसको। पीपल शुड वॉच फिल्म्स एंड डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। कश्मीर फाइल्स इज रिलीजिंग ऑल ओवर अगेन एंड आई एम एटलीस्ट अप्लॉड द करेज ऑफ पीपल, वेदर इट इज जी फिल्म्स, जी सिनेमा, और वेदर इट इज विवेक पल्लवी द कास्ट, एंड टू कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस ऑफ टेलिंग द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड। कोशिश कर रहे हैं कि कम में हो, हम उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकते, बिकॉज राइट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।